और एज अ माफिया क्वीन उस एरिया में से उभर पाती है। इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं। जब भी लोगों ने तकलीफ दी, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, ऐसा माइंडसेट बना दीजिए कि वो क्रिटिसिज्म से भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहे। आपके अंदर की जो आग है ना, उसको हमेशा जलाए रखिए, क्योंकि एज अ लीडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आग को आपको बुझने नहीं देना है। अभी लीडरशिप की बातचीत चालू है तो आपको एक बॉलीवुड मूवी से बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी आलिया भट्ट की, गंगूबाई काठियावाड़। उसमें से ना बहुत कुछ सीखा जा सकता है लीडरशिप के लिए। लगभग हर कॉर्पोरेट सेशंस में मैं जाता हूँ, लीडर्स को एक ही चीज़ बोलते रहता हूँ कि एम्पैथी इज द की, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इज द की। मैंने आपको भी बहुत बार बोला होगा। अब इस मूवी में देखिए, गंगूबाई जो खुद एक विक्टिम है सेक्स ट्रेड की, वो यहाँ सब कुछ अपने ऊपर लेके उन सेक्स वर्कर्स के इनजस्टिस और राइट्स के लिए लड़ने को निकल जाती है एज ए लीडर। जहाँ उसने खुद ये सब कुछ झेला है, वो दूसरे लड़कियों को सही तरीके से समझ पाती है और एज अ माफिया क्वीन उस एरिया में से उभर पाती है। अब ये एम्पैथी का तो एग्जाम्पल है, ये अंडरस्टैंडिंग अदर्स का ही एग्जाम्पल है। एक ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से आप थोड़ा सा सोच के देखिए, उसको कनेक्ट करके देखिए। लीडर्स एम्प्लॉयर्स ने एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने वर्कप्लेस पर बनाना चाहिए, क्रिएट कर देना चाहिए, जहां वो अपने एम्प्लॉयज पर सीधी तरीके से ट्रस्ट कर सके और उनसे हमेशा टच में रह सके, उनसे इंटरेक्शन कर सके, उनसे बातचीत कर सके, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उस पर सॉल्यूशंस दे सके। इसी को समझकर मैंने रिसेंटली ना मेरे भी ऑफिस में एक प्रोग्राम रन किया है, मन की बात। तो इसमें मेरी जो पीपल ऑफिसर है, ये सारे एम्प्लॉयज से वन ऑन वन बातचीत करके रेगुलर इंटरवल्स पे सारे प्रॉब्लम्स उनके समझ के लेती है और उनको सॉल्यूशंस देने का प्रयास करती है। तो मुझे लगता है इससे एक हेल्दियर वर्कप्लेस तैयार होता है, एम्पैथी जनरेट होती है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स की वो भावना एक लीडर्स में और उनके एम्प्लॉयज़ में आती है। दूसरा, मूवी में देखिए, गंगूबाई से वो फियरलेस का लेसन ले सकते हैं। वो डायलॉग है ना, इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं। किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना MLA से, ना मंत्री से, ना भड़वो से, किसी के बाप से नहीं डरने का। गंगूबाई ने जब कमाटीपुरा को रूल किया, आप देखिए, बिल्कुल भी आसान नहीं था। मूवी को देखिए आप, बहुत चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थे, लेकिन क्या उसने गिव अप किया, मेरा सवाल है आपसे। बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया यार। इनफैक्ट एज अ लीडर शी टोल्ड टू अदर्स कि अगर कुछ गलत नहीं किया है, अगर कोई चीज आपको मैटर करती है, तो बिल्कुल भी डरने का नहीं, विदाउट हेजिटेशन बात पूछनी चाहिए, क्योंकि उससे क्लियरिटी आती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि फियरलेस मतलब एकदम से आप एकदम बेक ऑफ हो जाइए, किसी से भी डरना नहीं है। कंपनी में अगर आप जाओगे फियरलेस तरीके से और किसी की भी नहीं सुनोगे, तो कंपनी से बाहर का रास्ता आपको दिलाया जाएगा। आई मीन टू से कि फियरलेस मतलब कंपनी के लिए अपने बॉस के साथ फियरलेसली बातें शेयर कीजिए, क्लियरिटी से अपनी बात रखना। मुझे लगता है कि फियरलेस क्वालिटी है एज अ लीडर, या मैं कहूँगा एज अ एम्प्लॉय एट वर्क प्लेसेस। तीसरा, आप देखिए, मूवी में रिस्पेक्ट की बात होती है, मतलब रिस्पेक्ट योर सेल्फ बिफोर एक्सपेक्टिंग अदर्स टू रिस्पेक्ट यू। जहाँ मूवी उन वर्कर्स के ऊपर आधारित है, जहाँ एक लेवल बाद खुद को रिस्पेक्ट देना मुश्किल हो जाता है, खुद ही अपने ऊपर घिन आने से लग जाती है। तो रिस्पेक्ट खुद का तो छोड़िए, बाकी तो दूसरे को ही रिस्पेक्ट भी नहीं करते। ठीक उसी तरह से अपने भी लाइफ में बहुत बार ऐसा हो जाता है, ऐसा लगने लगता है कि हम कुछ मीनिंगफुल नहीं कर रहे हैं, फिर वो चाहे अपने करियर के लिहाज से हो, अपने लाइफ के लिहाज से हो, या फिर बाकी कुछ हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय पर जिस तरीके से गंगूबाई ने अपने आप पर रिस्पेक्ट दिखाया, अपने आप का रिस्पेक्ट किया, तभी जाके लोगों ने उनका रिस्पेक्ट किया, उसी तरीके से एज अ लीडर, एज अ एम्प्लॉई, मैं समझता हूँ वर्क प्लेसेस पर या हमारे लाइफ में हमने पहले खुद का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो खुद को विश्वास देना कि कुछ हम कर सकते हैं, खुद का रिस्पेक्ट करना, खुद के क्वालिटीज़ का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक इसमें से वो लेसन हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। फोर्थ, आप देखिए, डोंट लेट द वर्ल्ड डल योर स्पार्क, मतलब आपके अंदर जो स्पार्क है उसको डल नहीं होने देना, इस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट। इतने गंदे एनवायरनमेंट में रहकर भी एक लेवल पर गंगूबाई ने लिटरली अपने एनवायरनमेंट पर राज किया। आप देखिए मूवी, वो माफिया क्वीन बन गई। जब भी लोगों ने तकलीफ दी, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, अपने स्पार्क को उन्होंने बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया, एक लेवल बढ़कर उससे उभरे ही है वो, उसी एनवायरनमेंट पर उन्होंने बाद में राज किया। अब देखिए, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम गलत एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, हमारे आसपास बहुत गलत लोग हैं, हमारा वर्कप्लेस गलत है, लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, लोग आपको क्रिटिसाइज़ ही करने लगते हैं। फिर एक लेवल बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि गिव अप करने की आपको जब भी इच्छा होती है ऐसे समय पर, आपको समझना होगा, यू नीड टू क्रिएट अ माइंडसेट कि आप लर्निंग पर विश्वास रखो। ऐसा माइंडसेट बना दीजिए कि वो क्रिटिसिज्म से भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहे, लर्निंग्स पर फोकस करते रहे और हमेशा आपका दिन बेटर करते रहे। और दुनिया कितने भी आपके खिलाफ हो जाए, मैं ऑडियंस को भी ये चीज़ बताना चाहूँगा, दुनिया आपके कितने भी खिलाफ हो जाए, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके अंदर की जो आग है ना, उसको हमेशा जलाए रखिए, क्योंकि एज अ लीडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आग को आपको बुझने नहीं देना है। फिर देखिए वो सैक्रिफाइस की भावना उनकी, बहुत मुश्किल है किसी भी लड़का लड़की या प्रोफेशनल के लिए सैक्रिफाइस करना कोई भी चीज़ के लिए, लेकिन सैक्रिफाइस व्हेन रिक्वायर्ड, ये जो क्वालिटी है ना, ये लीडरशिप के लिए बहुत उपयुक्त है। ये हमने मूवी में भी देखा है, बहुत बार टीम के सामने हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन बहुत बार हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे एक बैट्समैन होता है अपनी सेंचुरी को भी सैक्रिफाइस कर देता है टीम के सामने, बहुत बार आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, बहुत से प्लेयर्स आपने देखे होंगे। बहुत बार हम ऑफिस में काम करते रहते हैं तो बहुत बार आपको ऐसा भी होगा एज ए लीडर कि काम आपने किया है लेकिन वो क्रेडिट किसी और को देना है। तो मैं समझता हूँ लीडर वही है जो क्रेडिट किसी और को आराम से दे सके। वो क्रेडिट छीनने वाला जो प्रोफेशनल है वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। आपने काम किया है फिर भी वो क्रेडिट अगर किसी को आप दे सकते हो तो उसमें वो कॉन्फिडेंस जगेगा, उसमें वो सेल्फ बिलीफ सिस्टम जगेगा, वो एम्प्लॉय है ना वो और कॉन्फिडेंट फील करने लगेगा। और मैं समझता हूँ ये गंगूबाई काठियावाड़ मूवी में भी आप देखिए कि सैक्रिफाइस करके उन्होंने जो कमाया अपने जीवन में वो लीडरशिप के लिए आई थिंक बहुत उपयुक्त है। तो देखिए लीडरशिप कोई मजाक नहीं है, लीडरशिप डेवलप करने के लिए आपको ये सारे क्वालिटीज़ आपको समझने पड़ेंगे। अलग अलग एपिसोड से मैं आपके साथ और ऑडियंस के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, अलग अलग लेवल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग एपिसोड से, अलग अलग उदाहरणों से कि लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहिए।